Right guys, so we start on with unit 4 of the Indian Contract Act. ठीक है, ये unit का नाम है performance of a contract. ठीक है, so अभी देखो हम लोग काफी time से ये contract act देख रहे हैं. We have done unit 1, unit 2, unit 3. इसमें हम लोगों ने समझा that what is a contract. ठीक है, then we talked about consideration in unit 2 and then we talked about various essential elements of a valid contract in unit 3. So, देखो, basically, based on the definition of contract and general understanding, right, contract क्या होता है? Contract is an agreement between two parties which can be enforced by law. मतलब, कि if I tell him that I want to sell my car to you for 5 lakh and if he agrees to buy my car for rupees 5 lakh, then what happens that there is a contract which is in place. We have agreed, so there is an agreement. And the intention behind this agreement is to make it legally enforceable. कि अगर मैं इसको गाड़ी का delivery नहीं देता हूँ, he can file a case on me in the court and compel me to deliver the car. And after delivering the car, if he does not make a payment, I can compel him to make the payment for the car which I have delivered to him. So basically, contract में क्या होता है? दो parties होती है minimum. ठीक है? वो लोग क्या करते हैं? एक common चीज़ पे agree करते हैं. एंड उस अग्रीमेंट को उन लोगों का इंटेंशन होता है कि वो लोग लीगली एनफोर्सेबल बनाएंगे. राइट, सो दिस इज हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स. राइट, दिस इज हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स. तो यहां पे देखो, सिंस आई एम सेइंग दैट टू पार्टीज हैव अग्रीड, राइट, एंड देयर इज एन इंटेंशन दैट इट इज लीगली एनफोर्सेबल. मतलब अगर कोई भी पार्टी अपना प्रॉमिस को नॉन कंप्लाई करता है, ब्रीच करता है, तो दूसरे पार्टी के पास राइट है कि उस पार्टी के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सके. आई क्लियर अबाउट दिस? सो अभी देखो, कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना पड़ेगा. आई क्लियर अबाउट इट? जो पार्टीज, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, वो एक दूसरे को प्रोमिस कर रही है. सो जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है, उनको उनका प्रोमिस फुलफिल करना पड़ेगा. राइट, एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑब्लिगेशन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ने अग्री किया है, उस चीज को करना, राइट, उस चीज को एग्जीक्यूट करना, उसको बोलेंगे परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सो इफ देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू ऑफ अस सेइंग दैट आई विल डिलीवर माय कार फॉर 5 लाख एंड ही विल पे मी 5 लाख रुपीज, राइट, सो यहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना पड़ेगा? परफॉर्म करना पड़ेगा. हाउ विल दिस कॉन्ट्रैक्ट बी परफॉर्म? आई हैव टू डिलीवर द कार टू हिम, ही हैज टू पे मी 5 लाख रुपीज, राइट, एंड देयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्म. तो अभी एक बात समझो ना, कि मैंने अपने गाड़ी उसको डिलीवर कर दी, इसने मेरे को 5 लाख रुपए दे दिए. आई क्लियर अबाउट दिस? अभी इसके बाद हमारा एक दूसरे से कोई भी रिलेशनशिप है, कोई भी एनफोर्सिबिलिटी है, कोई भी ऑब्लिगेशन है? नहीं. राइट, काम खत्म. मेरे को क्या करना था? गाड़ी डिलीवर करनी थी. इसको क्या करना था? मेरे को 5 लाख रुपए देने थे. सो जब दोनों ही पार्टी अपने ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर लेती है, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है. क्या हो जाता है? डिस्चार्ज. डिस्चार्ज का मतलब क्या? फुलफिल. वॉट एवर वॉज सपोज टू बी डन हैज बीन डन एंड देयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स डिस्चार्ज. राइट, सो अभी इस यूनिट में वील कॉन्सेंट्रेट ऑन परफॉर्मेंस पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. अगेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन. वाई? बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट बनाने का इंटेंशन क्या होता है? कि पार्टीज जो कमिट कर रही है एक दूसरे को, उसको एग्जीक्यूट करे, उसको परफॉर्म करे. राइट, सो इट सेज दैट लीगल रिलेशनशिप इन अ कॉन्ट्रैक्ट सब्सिस्ट अंटिल इट इज डिस्चार्ज. लीगल रिलेशनशिप इन अ कॉन्ट्रैक्ट सब्सिस्ट अंटिल इट्स डिस्चार्ज. राइट, सो देखो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड. सिट हियर, ट्राई एंड अंडरस्टैंड what they are trying to say is, जैसे मैंने example दिया कि I committed to sell my car to him for 5 lakh rupees and he committed to pay 5 lakh rupees to me in return. Is there a relationship between us? Yes, there is a contractual, there is a legal relation which is subsisting between us. But ये जो contractual relationship है हम दोनों के बीच में, वो कब तक रहेगा? क्या lifetime तक ये contractual relationship रहेगा? नहीं. Moment I deliver the car and he pays me 5 lakh rupees, our legal relation is done, terminated and over. Because जो contract के अंदर हम लोगों ने obligations agree किया था, वो obligation perform हो गया, वो contract discharge
हो गया. आई क्लियर अबाउट इट? तो लीगल रिलेशनशिप इन अ कॉन्ट्रैक्ट सबसिस्ट, मतलब जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन होगा कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के पास, दैट विल रिमेन लाइव टिल द टाइम द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज. राइट? डिस्चार्ज का मतलब क्या? अभी देखो, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज दो तरीके से हो सकता है. इट कैन बी डिस्चार्ज आइदर बाय परफॉर्मेंस और इट कैन बी डिस्चार्ज बाय नॉन परफॉर्मेंस. मतलब कि मैंने गाड़ी डिलीवर कर दी, इसने 5 लाख रुपए दे दिए, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया, इट इज डिस्चार्ज. नाउ देयर इज नो मोर लीगल रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ अस. द अदर मोड ऑफ डिस्चार्ज इज, मैंने बोल दिया भाई मैं गाड़ी डिलीवर करने वाला नहीं हूं, तुमको जो करना है कर लो. राइट? सो नाउ आई हैव क्लियरली सेड दैट आई डोंट वांट टू परफॉर्म माय ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. तो ऑब्वियसली अगर मैं नहीं परफॉर्म करूंगा तो ये मेरे को 5 लाख रुपए भी देगा नहीं. ही डज नॉट हैव एन ऑब्लिगेशन टू डू दैट. सो व्हाट विल हैपन? अगेन द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप आर ओवर. अब क्या है, खाली एक राइट है कि ये मेरे पे केस करके मेरे को एनफोर्स कर सकता है. राइट? मे बी ही मे क्लेम सम पेनल्टी और सम कॉम्पनसेशन फ्रॉम मी, बट आवर कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप कम्स टू एन एंड. सो देखो, डिस्चार्ज दो तरीके से हो सकता है, आइदर बाय परफॉर्मेंस और बाय नॉन परफॉर्मेंस. बट यूजली व्हाट डू यू फील दैट डिस्चार्ज कैसे होना चाहिए, परफॉर्मेंस से कि नॉन परफॉर्मेंस से? ऑब्वियसली परफॉर्मेंस से. सो दैट इज वाई इट इज बींग सेड दैट द मोस्ट यूजुअल मोड ऑफ डिस्चार्ज इज परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. आई क्लियर अबाउट दिस? सो यहाँ पे अगेन आई रिइटरेट दैट व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. मतलब जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप पार्टीज के बीच में बनता है, उस रिलेशनशिप को परफॉर्म करना, जो कमिटमेंट पार्टीज एक दूसरे को देती है उसको परफॉर्म करना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. जैसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, there is a legal relationship which is there between the parties. वो legal relationship कब तक रहेगा? जब तक parties अपने obligation उस contract के अंदर fulfill नहीं कर लेती है. Moment both the parties do what they have committed to do or what they are supposed to do, what will happen? The contract will become discharged. The contractual relationship, the legal relationship will come to an end, right? So legal relationship in a contract subsists until it is discharged. And what is the most common form of discharge? Performance of the contract. Both the party perform their obligation and thereby the contract will be discharged. So देखो यहाँ पे बोल रहे हैं फिर that the parties to the contract must, right? The parties to the contract must perform. ये तो most common है कि भाई जो commit किया है वो perform करो. Or offer to perform, right? Either they should perform or they should offer to perform. So, देखो पहले perform की बात करेंगे, right? So, parties to the contract must perform. मतलब here we are talking about the actual performance. मतलब I should deliver my car to him and he should pay me 5 lakh rupees. That is known as performance of the contract, right? So, perform का मतलब क्या? It means actual performance where parties to the contract has done. Or either parties have performed their obligations under the contract, we'll say that the performance has been done. Second, offer to perform. अभी देखो offer to perform कैसे होगा? मेरा और इसका contract बन गया that I am supposed to deliver my car to him and he is supposed to pay 5 lakh rupees to me. So जो date agree हुआ था गाड़ी deliver करने का, उस दिन मैं इसके पास गया, मैंने बोला भाई साहब मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, बोलो कहाँ पे पार्क करनी है. राइट? आई हैंड ओवर द कीज टू यू एंड यू पे मी 5 lakh rupees. इसने मेरे को बोल दिया कि मैं गाड़ी की डिलीवरी नहीं लूंगा. राइट? इसने मेरे को बोल दिया मैं गाड़ी की डिलीवरी नहीं लूंगा. तो ये क्या परफॉर्मेंस हुआ? वॉज आई एबल टू डिलीवर द कार टू हिम? नो. बट डिड आई अटेम्प्ट टू डू द परफॉर्मेंस? यस. तो इसको बोलते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. इसको क्या बोलेंगे? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. आई ऑफर्ड टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बट द अदर पार्टी डिड नॉट एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस. तो अभी मैं गाड़ी लेकर गया, बोला डिलीवरी लो, इसने ना बोल दिया मैं डिलीवरी नहीं लूंगा. After that, मैं क्या जीवन भर इसके पीछे पड़ा हूंगा, प्लीज ले लो डिलीवरी, प्लीज ले लो डिलीवरी, प्लीज ले लो? नो. Once that is done, the contractual relationship gets terminated, right? He has refused to accept my performance. Now there is no legal relationship between us. He has performed a breach of
contract. Absolutely clear about this. So performance dekho, do tarike se, ek bolte hain actual performance, dusre ko bolte hain attempted performance. Jahan pe promisor apne obligation ko fulfill karne ki koshish karta hai, but promisee us performance ko accept nahi karta hai. Right? So parties to the contract must perform, matlab here we are talking about actual performance, dono party ne jo commit kiya hai apne commitment ko agar dono parties fulfill karegi to usko kya bolenge, actual performance. The moment both the parties perform their obligation under the contract is discharged. Second, offer to perform, matlab ek party ne apna obligation fulfill karna chaha but dusri party ne wo obligation accept nahi kiya, so that is why it will be known as an attempted performance, right? Promisor offers to perform his obligation, but the promisee refuses to accept the performance. Are you clear about this? So, dekho yahan pe aap log do example likh lo ek baar. Perform ke andar, JP delivered the car, right? And paid 5 lakh rupees. Kaam khatam, actual performance ho gaya. Second ke andar, JP wanted to deliver the car, but Anand refused to take the delivery of the car, that will be known as attempted performance. Absolutely clear about this? So just write these two points in brief. Okay, and then it says that the general rule says that parties to the contract must perform their obligation under the contract. Matlab jo contracting parties hai, unke upar ek legal obligation hai, ke jo unhone commit kiya hai, wo obligation unko perform karna chahiye. Okay? Unless such performance is dispensed which or excused under the provisions of the act or any law. So see, what they are saying is that the most common mode of discharge of a contract is performance. Once a contract has been made, it needs to be performed, right? Once a contract has been made, it needs to be performed, right? So once a contract is made, performance karna zaruri hai. But when will you not perform? When the performance is dispensed or excused, right? Under the provisions of any act or for any law for the time being in force, right? So samajh lo, let's take an example. Let's say aajkal Calcutta mein these hookah bars are doing really well, right? So he wanted to open a hookah bar, to isne ek jagah li, sab kuch kiya aur usne hookah bar open karne ki procedure on kar diya. He is a dealer who deals in those hookah equipments and everything, right? So, abhi in dono ke beech mein ek contract bana, whereby he will supply these hookah equipment to the hookah bar owner, right? Abhi dekho kya hoga? Last time I am allowing you to enter late, huh? Abhi se nahi karunga, please remember. And everybody I am telling. Abhi dekho, in dono ke beech mein ek contract ban gaya. Kya contract bana? He is the owner of the hookah bar and he is the supplier of the hookah equipments, right? Ab isne achhe murat dekh ke bar ka opening to karne ki koshish ki thi, furniture banaya, but kya hua ke Mamata Banerjee ko hookah ka concept samajh mein nahi aaya. Usne bola hookah bar banned in Calcutta, no more smoking business, right? So, abhi in dono ke beech mein to contract bana hua hai na, he is supposed to buy the hookah equipments from this supplier. What will happen to their agreement? Void. Kya ban jayega? Void. Why will it become void? Initially, it was a valid contract. Jab tak hookah banned nahi tha, wo valid contract tha. But moment the sell of hookah or operation of hookah bars were banned in Calcutta, what happened? The contract became void. Abhi now, is he supposed to make the supply? No. Agar ye as a bar owner isko refuse karta hai, nahi ab equipment nahi lunga, can he file a case on him? No. So kya bolte hain ke most common mode to hai perform karna, perform karne se hi contract discharge hoga, but aap perform kab nahi karoge? When there is a change in law or maybe there is a new law which comes into force and it excuses the performance of the obligation under the
contract, right? So yahan pe example hookka bar likh lo, so that, because see, it's very important to give these small examples, because maybe aapko exam mein jo questions aayenge na, they may not be straightforward questions, right? They may give you a situation ke so and so is doing so and so, what is getting triggered, right? So is tarah ke examples agar har ek jagah note pehle bhi karte aaye, har ek jagah agar note karte rahenge, it becomes really easy in the paper. Theek hai? So till now we talked about unit for performance of the contract. Isme kya dekha ke bhai, the most common mode of discharge is performance. Performance kitne type ka hai? Actual performance and attempted performance. Actual performance matlab dono party apna obligation perform karegi, actual performance hoga, contract discharge ho jayega. Attempted performance matlab promisor apne obligation ko perform karne ki koshish karega, but promisee us performance ko accept nahi karega, and thereby the promisor is discharged from his obligation under the contract. So, refuse karega to phir certification ho? Wo sab hota rahega, but contract khatam. Abhi wo compel karega usko. Right, he may file a case in the court ke bhai, isne mere ko supply nahi kiya, iske wajah se mere ko kahin aur se gaadi leni padi, to mera 20,000 rupaye extra kharcha ho gaya, to wo 20,000 ka, that we'll see as we go forward. Breach of contract ek unit hai iske baad wala, usme dekhenge. Theek hai? See, we'll come to that abhi. We'll come to that. Okay. Then the next question which arises, who should perform the contract, right? Ke contract kisko perform karna chahiye? Abhi dekho, main ek simple aapko example deta hun. Ke if there's a contract between me and him, I am supposed to deliver my car to him and he is supposed to make a payment of 5 lakh rupees to me. So yahan pe the question which they are saying is, who should perform the contract? बताओ, एक बात मेरे को बताओ, इज इट एब्सोल्युटली नेसेसरी कि गाड़ी मैं ही ड्राइव करके लेकर जाऊं, इसके यहाँ पे उस गाड़ी को डिलीवर करूं और उससे पैसे लूं? क्या मैं अपने ड्राइवर को गाड़ी के साथ ने भेज के डिलीवरी करके पैसे ले सकता हूं? यस और नो? यस, आई कैन डू दैट. बिकॉज इसको मतलब क्या है, गाड़ी मिलनी चाहिए ना. मैं देने जाऊं कि और कोई देने जाए, हाउ डज इट मैटर? द कार इज गेटिंग डिलीवर्ड एंड आई शुड गेट माई payment. So now the question comes that who should perform the contract. तो यहाँ पे ये वाले example में आपने बोला कि sir, अगर आप भी नहीं जाते हो, आप अपने driver को भी गाड़ी लेकर भेज देते हो, तभी भी चलेगा, कोई problem नहीं है. Are you clear about this? अभी मैं आपको next example देता हूँ. समझ लो कि एक patient है जिसको heart attack आया, मतलब heart attack आया इसलिए वो patient बन गया बेचारा, ठीक है. Now he appointed the best doctor in Calcutta to do his operation, right? उसने उस doctor के साथ meeting की, उसको hospital में बुलाया, बोला कि sir आप मेरा operation करो. So is there a contract between the patient and the doctor? Yes, the doctor is supposed to perform the surgery and the patient is supposed to make the payment. So जिस दिन operation था, उस दिन उस doctor ने बोला, एक काम करता हूँ, मैं अपने असिस्टेंट को भेज देता हूं, वो आपका ऑपरेशन कर डालेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? अगर आप उस पेशेंट के जगह में होते तो वुड यू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस? नो. व्हाई? नहीं तो मेरा ड्राइवर डिलीवर करता है तो चलेगा, उसका असिस्टेंट ऑपरेशन करेगा तो नहीं चलेगा. यहाँ पे जान का सवाल है, नहीं रिस्क ले सकते, right? So see, try and understand the difference between the two situation, right? First situation mein the important element was delivery of the car. Ab wo deliver koi bhi kare, usse koi farak nahi padta. Kya hona chahiye? Car deliver honi chahiye. Wahan pe koi personal element involved nahi tha, right? Wahan pe koi personal element involved nahi tha ki bhai main drive karke lekar jaunga tabhi gaadi pahunchegi, aisa to zaruri nahi. Driver bhi lekar jayega tabhi gaadi pahunchegi, koi problem nahi hai. But second example mein humne kya dekha ke the patient appointed the doctor based on his skill, based on his competence, and there was a factor of trust and confidence between the contracting party, which is the patient and the doctor. So is tarah ka koi contract hoga na jahan pe personal skill, competence,
वो सबका इन्वॉल्वमेंट होता है, उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ। बट अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे पर्सनल एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है, इन दैट केस एनीबडी एल्स कुड परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। सो समथिंग लाइक अ डॉक्टर, समथिंग लाइक अ लॉयर, समथिंग लाइक अ टीचर, समथिंग लाइक अ पेंटर, राइट, समथिंग लाइक लेट्स से आपने अपने किसी कॉलेज फेस्ट में शाहरुख खान को बुलाया, पैसे दिया और वो अपना असिस्टेंट भेज दे, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, राइट। सो जहां पे पर्सनल केयर कॉन्फिडेंस इन्वॉल्व है, वहां पे व्हाट वुड हैपन, द प्रोमिसर हिमसेल्फ हैज टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, राइट। अगर समझो मैं पढ़ाते पढ़ाते बोलू अभी कल से है ना एक काम करते आनंद को बोलेंगे, बाकी क्लासेस वो कंप्लीट करेगा, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट दीस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेस्ड ऑन पर्सनल स्किल कॉम्पिटेंस एटसेट्रा, राइट। सो दे हैव टू बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ। बट अगर मैं बोलूंगे ठीक है जो आप लोग टेस्ट पेपर दोगे वो मैं चेक नहीं करूंगा, आंसर की इसको दे देता हूं, ये चेक कर लेगा, कोई प्रॉब्लम है क्या? चलेगा, बिकॉज कोई पर्सनल एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है, राइट। सो हु शुड परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट? द प्रोमिसर हिमसेल्फ, राइट। द एक्ट सेज द प्रोमिसर शुड हिमसेल्फ परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। फिर क्या बोला? इफ द इंटेंशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट शोज प्रोमिस इज टू बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ, इट शुड बी परफॉर्म बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंटेंशन है कि प्रोमिसर खुद कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना चाहिए, देन द प्रोमिसर इज ड्यूटी बाउंड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट विच मस्ट बी परफॉर्म बाय प्रोमिसर हिमसेल्फ, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिसर खुद ही परफॉर्म करें। किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों पॉइंट याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रैक्ट विच मस्ट बी परफॉर्म बाय प्रोमिसर हिमसेल्फ आर दोस विच इन्वॉल्व एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल स्किल एंड डिलीजेंट, राइट। मतलब देखो, स्किल एंड डिलीजेंट मतलब अगर मैं आईपीएल टीम का एक ओनर बन जाता हूं और सचिन तेंदुलकर को लेता हूं, वो बोलता है यार छोड़ो ना मैं आज की मैच नहीं खेलता हूं, मेरे बेटे को बोलता हूं वो खेल लेगा, चलेगा क्या? नहीं, बिकॉज वी हैव सिलेक्टेड दैट पर्टिकुलर प्लेयर ऑन द बेसिस ऑफ हिज पर्सनल स्किल एंड हिज डिलीजेंस फाउंडेड ऑन पर्सनल कॉन्फिडेंस बिटवीन द पार्टी। मेरे को सचिन तेंदुलकर एज अ प्लेयर पे कॉन्फिडेंस है, मे बी हिज सन मे बी इक्वली टैलेंटेड, बट मे बी माई पर्सनल फैक्टर, माई कॉन्फिडेंस मे नॉट बी एज गुड ऑन हिम। आई क्लियर अबाउट दिस? सो कौन से कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिसर को खुद को परफॉर्म करने चाहिए? ऑल दोज कॉन्ट्रैक्ट विच आर बेस्ड ऑन पर्सनल स्किल और डिलीजेंस फाउंडेड ऑन पर्सनल कॉन्फिडेंस बिटवीन द पार्टीज, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रोमिसर को खुद को परफॉर्म करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, राइट, सेलिब्रिटीज, ये सारे टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो प्रोमिसर को खुद को परफॉर्म करने चाहिए। ये एग्जाम्पल्स लिख लो वहां पे नीचे, सो दैट इफ इट कम्स, लार्जली इसी टाइप के एग्जाम्पल्स आएंगे, ठीक है? लॉयर, डॉक्टर, टीचर, फिल्म स्टार्स, और क्या होना चाहिए कुछ बताना अपने एंड से भी। कुछ भी लिखो, समझ में आनी चाहिए बात। नहीं, वो थोड़ा अलग सिचुएशन हो गया, वो है ना क्लास के बाद डिस्कस करेंगे। टू एन एक्स एंड वॉट शी सेइंग इज के जो स्टूडेंट को पास होना है उसी को, मतलब जो स्टूडेंट रजिस्टर्ड है उसी को जाना चाहिए, कोई और जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, या तो वो पास करा देगा या तो फेल करा देगा, तो ऐसा नहीं चलेगा, राइट। अभी तो वो क्या जुगाड़ करती है अपने, वो क्या बताए, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट सेकेंड एजेंट। देखो, हु इज एन एजेंट? Agent is somebody who legally represents his principal, right? Agent is somebody who legally represents his principal, right? Where personal consideration is not important. देखो, जहां personal consideration है वहां पे तो promisor को खुद को ही contract perform करना पड़ेगा, और कोई उसके behalf में contract perform नहीं कर सकता है, ठीक है? Where personal consideration is not important, promise may be performed by the प्रोमिसर और दी
एजेंट, मतलब गाड़ी डिलीवर करनी है तो या तो मैं डिलीवर कर सकता हूँ या तो मेरे ड्राइवर एक्टिंग एज माय एजेंट कैन गो एंड डिलीवर दी कार, देन देयर इज नो प्रॉब्लम. ठीक है, देन वी कम टू एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन विच इज रिप्रेजेंटेटिव्स. राइट, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन पर्सनल स्किल एंड कॉन्फिडेंस कम्स टू एन एंड ऑन द डेथ ऑफ अ प्रोमिसर. राइट, सो अभी क्या हुआ ना कि अभी ज्यादा पेंटर का तो नाम पता नहीं है, एमएफ हुसैन साहब का ही नाम पता है मेरे को, तो यही एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से इसने बोला कि भाई ये एमएफ हुसैन के पास गया, बोला कि मेरा आप स्केच बनाओ, माधुरी दीक्षित का बनाया है आपने, मेरा भी बनाओ. ठीक है, तो एमएफ हुसैन साहब ने बोला ठीक है 5 करोड़ रुपए डिपॉजिट करो मेरे अकाउंट में, फिर हम बनाएंगे. तो इसने 5 करोड़ रुपए भी डिपॉजिट कर दिए. फिर एमएफ हुसैन साहब चल बसे, इसकी पेंटिंग बनी नहीं. कैन ही कंपेल एमएफ हुसैन सन, मे बी ही इज अ डॉक्टर, ठीक है, क्या उसको कंपेल कर सकता है कि आपके पिताजी ने कमिटमेंट किया था, मैंने पैसे दिए हैं, तो अब तुम बनाओ मेरी पेंटिंग? होगा क्या? नहीं. तो क्या बोलते हैं कि अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है विच इज बेस्ड ऑन पर्सनल स्किल एंड कॉम्पिटेंस, इट विल कम टू एन एंड इमीडिएटली ऑन द डेथ ऑफ द प्रोमिसर. मोमेंट द प्रोमिसर डाइज द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड, यू कैन नॉट कंपेल द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड प्रोमिसर टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. आई क्लियर अबाउट इट? जैसे डॉक्टर का एग्जाम्पल लिया कि जिस डॉक्टर को हमने अपॉइंट किया था हमारा सर्जरी करने के लिए, गाड़ी में आते आते उनको भी हार्ट अटैक आ गया. अब सर्जरी कौन करेगा? उनका बेटा लेट से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उसको थोड़ी ना बुलाएंगे कि भाई अब तुम आके कर दो. राइट, सो एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज बेस्ड ऑन पर्सनल स्किल एंड कॉम्पिटेंस विल कम टू एन एंड ऑन द डेथ ऑफ द प्रोमिसर. बिकॉज यहाँ पे क्या देखते हैं ना कि भाई अगर वो जिंदा है तभी भी उसको परफॉर्म करना है, तो मरने के बाद ऑब्वियसली कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता. राइट, सो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन पर्सनल स्किल और कॉन्फिडेंस कम्स टू एन एंड ऑन द डेथ ऑफ द प्रोमिसर. वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सोल्युटली क्लियर. द एग्जाम्पल क्या लिखा है कि मिस्टर ए इज अ पेंटर एंड मिस्टर बी वॉन्ट्स अ पेंटिंग डन बाय ए. इफ ए डाइज कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए हु इज अ पेंटर कैन नॉट बी कंपेल्ड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट. For contracts, for other contracts, legal representative of deceased promisor are bound to perform the contract unless agreed otherwise in the contract. मतलब बोला कि भाई और किसी तरह का contract है तो उस contract में legal representative को भी वो contract perform करना पड़ेगा. तो जैसे ये एग्जाम्पल लिया कि देर आर टू पार्टीज, वन पार्टी सपोज टू डिलीवर द कार एंड अदर पार्टी सपोज टू मेक द पेमेंट. उसमें से कोई भी एक पार्टी का डेथ होता है तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या तो गाड़ी डिलीवर करनी पड़ेगी, और अगर गाड़ी डिलीवर हो गई है तो प्रोमिसी को उसके पैसे भी देने पड़ेंगे. आई क्लियर अबाउट इट? जहां पे पर्सनल स्किल एंड कॉम्पिटेंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पर्सनल डिलीजेंस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वहां पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लायबिलिटी आती है टू परफॉर्म द अनफिनिश्ड कॉन्ट्रैक्ट. राइट, अभी सो वील नाउ टॉक अबाउट लायबिलिटी ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव. हमने बोला ना कि भाई अगर लेट्स से मिस्टर ए इज सपोज टू लेट्स से डिलीवर पर्टिकुलर गुड टू मिस्टर बी. राइट, अगर मिस्टर ए का डेथ होता है तो क्या होगा? मिस्टर ए का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको वो गुड्स मिस्टर बी को डिलीवर करने पड़ेंगे. सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, दैट देयर विल बी अ लायबिलिटी व्हिच विल कम ऑन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी. राइट, देयर विल बी अ लायबिलिटी व्हिच विल कम ऑन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी. सो व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ दिस लायबिलिटी, मतलब कितने एक्सटेंट तक लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल है टू फुलफिल द कमिटमेंट ऑफ द डिसीज्ड कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी. तो देखो क्या बोला, लायबिलिटी ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेड. राइट, सो अभी इन दोनों का है ना, ये सेकेंड पॉइंट का और इसका कंबाइंड एक एग्जाम्पल देखते हैं, सो दैट द अंडरस्टैंडिंग इज मच क्लियरर. इट सेज
A to sell 1000 LED TV to B for 10 lakh rupees, right? A ko kya karna hai? 1000 LED TV bechna hai B ko. Kitne paise milenge bech ke? 10 lakh rupees. If A dies, what will happen? Legal representative of A will have to deliver the TVs to B. Absolutely clear about it. A or B ke beech mein contract hai. A ko 1000 LED TV deliver karne hai B ko for a consideration of 10 lakh rupees. If A dies, legal representative of A will have to deliver the TVs to B. If B dies, legal representative of B will have to make the payment to A. Matlab jo bhi contracting party maregi uske legal representative ke upar us contract ko perform karne ka obligation aa jayega. Now we'll talk about the extent of liability ke kitne extent tak legal representative responsible hai. So let's take an example. Let's say if B dies in our example. C is the legal representative of B. Right, B upar chala gaya, abhi kaun bacha? C. C is the legal representative of B. C inherited 7 lakh rupees from B. B ke property mein kitna paisa tha? 7 lakh. Right, abhi B ka liability kitna hai? 10 lakh. B ko A ko kitne paise dene hai? 10 lakh. But B se C ko kitne paise mile? Right, jo inheritance hua, jo jayadad mili, C ko kitne ki mili? 7 lakh. So the maximum extent to which C is liable is 7 lakh rupees. Are you clear about it? Maximum extent to which C is liable is 7 lakh rupees. Isse ek bahut bada interpretation nikalta hai. Kya? There is no personal liability of the legal representative. Legal representative apne pocket se nikal ke kuch bhi nahi dega. Agar is case mein B ke paas kuch bhi paisa nahi hota. Right? So C as a legal representative would not be liable for anything because jo legal representative hai, wo apne pocket se nikal ke deceased contracting parties ka obligation fulfill nahi karega. Agar deceased ki property usko inherent hoti hai, to us property ko usko pehle uske commitments fulfill karne ke liye apply karna padega. Uske baad kuch bachega to wo usko rakhega. Are you clear about this? So the liability of the representative is limited to the extent of the value of property inherited. Second, the legal representative is not personally liable for the commitments of the deceased contracting party. तो यहाँ पे एक छोटे में और एक पॉइंट लिख दो स्टार बना के. क्या लिखोगे यहाँ पे? That there is no personal liability of the legal representative. Legal representative is not personally liable. Are you clear about this? हाँ, A ने तो समझो कर दिया है 1000 LED डीलर. अभी अगर B को पेमेंट करना था बट पेमेंट करे बिना B ऊपर चला गया तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में C को पेमेंट करना पड़ेगा बट C कितना पेमेंट करेगा? जितनी प्रॉपर्टी B से मिलेगी ना वो थोड़ी ना अपने पॉकेट से पैसे निकाल के देगा तो वो लॉस होगा. देयर इज नो वे आउट. वो लॉस होगा. अगर B के पास कुछ नहीं होता तो उसको पूरा 10 लाख रुपए का लॉस हो जाता. Because see, what happens is that the legal representative steps into the shoes of the contracting party. So, agar iska hi pocket khali tha, to legal representative kya karega? Clear? Then, we go to the fourth point under performance. Third person. देखो ये बहुत interesting situation है. इसको समझना बहुत easy है. Very very simple. इस situation में देखो क्या है. I'll give you a simple example. A sold goods to B. Right? A sold goods to B for rupees 10 lakh. So A is the seller. B is the customer. B को 10 lakh rupees A को pay करने है. अभी देखो एक मिस्टर सी है. ये मिस्टर सी है ना, कौन है ये? मिस्टर बी का फ्रेंड है. इसने क्या किया? सी मेक्स अ पेमेंट ऑफ 8 लाख ऑन बिहाफ ऑफ बी विदाउट इन्फॉर्मिंग बी एंड ए हैज एक्सेप्टेड द पेमेंट. आई क्लियर अबाउट इट? तो देखो सिंपल सिनेरियो. ए ने बी को 10 लाख रुपए का माल बेचा. नाउ बी इज सपोज टू मेक द पेमेंट टू ए फॉर रुपीज 10
lakh of rupees 10 lakh. Abhi C, who is a known person to B or a friend of B, makes a payment of rupees 8 lakh rupees to A without informing B ke wo payment kar raha hai. Iske baad samjho B koi bhi payment nahi kar sakta hai. To A kitne ka case karega B ke upar? 10 lakh ka ke 2 lakh ka? Ye act bhi yahi bolta hai ke A is supposed to file a case for rupees 2 lakh, because 8 lakh rupiah bhale hi usko B ke haath se nahi mila hai, but kisi aur ne B ke behalf pe to diya hai. Aur agar A ne wo paisa accept kiya hai, to that extent B ka liability discharge ho jata hai. So now let us read this. Acceptance of performance from a stranger, right? Acceptance of performance from a stranger. The contracting parties kaun kaun hai yahan pe? A or B. Paisa kisne diya? C. Acceptance of performance from a stranger results in discharge of the promisor, although the promisor have neither authorized nor ratified the third party. Right? So, agar third party koi bhi act karta hai, even when that act is not ratified by the promisor, still it will be treated as accepted and done and delivered. Jo claim hoga wo balance amount ke liye hi hoga. Absolutely clear about it? So even a third party can perform obligation on behalf of the promisor, and agar promisee us obligation ko accept karta hai, us performance ko accept karta hai, to that extent the promisor is discharged, balance proportion ke liye wo liable rahega. Absolutely clear about this? Uski baat hi nahi kar rahe hum. Abhi we are not talking about what will happen between B and C. We are talking about A and B in this case. C ka kya hoga, that we will see later. Theek hai? Then we come to the next point, which is joint promisor. Right? We talk about joint promisor. Joint promisor matlab, jab do ya do se zyada log milke kisi ko promise karte hai, to they become joint promisor. Right? So when two persons have made promise, all such person should jointly perform the promise. Matlab jab do ya do se zyada ne saath mein milke kuch karne ka promise kiya hai, to un sabko milke wo promise ko perform karna chahiye. So let's take an example. If A and B made a joint promise to C, तो A and B ने मिलके C को एक joint promise किया, तो situation में क्या होगा? Both A and B should jointly perform the promise, right? Both A and B should jointly perform the promise. If A dies, what will happen? Legal representative of A and B should jointly perform the promise. If B dies, again, A and legal representative of B should perform the promise. Or A or B dono hi upar chale gaye, to dono ke representatives ko promise perform karna padega. Absolutely clear about it? So joint promise ke case mein, unless otherwise agreed, all or both the joint promisers are jointly liable. They have to perform the obligation in a joint manner. Absolutely clear? Again, we come to a very, very important and interesting situation. Right? We talk about two legal terms. One is succession and other is assignment. Right? Assignment bar ke baare mein pehle bhi kahin pe baat kiya tha kya hum logon ne? Consideration. Kuch rent assign kar rahe the ke contract without consideration are still valid, na? Privity of contract में हम लोगों ने एक example किया था कि एक landlord था, एक tenant था. Landlord अपना rent लेने का right अपने friend को assign कर देता है. वैसे एक example किया था, ठीक है? So अभी देखो, we'll talk about two terms. One is succession, another is assignment. बहुत important है from your exam perspective also. देखो पहले अलग-अलग समझते हैं दोनों टर्म्स को, because यहाँ पे साथ में दिया है, but actually समझना दोनों को अलग ही है कि सक्सेशन क्या होता है और असाइनमेंट क्या होता है, और सक्सेशन और असाइनमेंट के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है?
सक्सेशन, देखो कॉन्ट्रैक्ट्स आर सक्सीडेड बाय लॉ, मतलब असाइनमेंट की बात अभी नहीं करेंगे, अभी किसकी बात करेंगे, सक्सेशन की। सक्सेशन कैसे होता है, बाय लॉ। अभी सक्सेशन का मतलब क्या, कि फर्स्ट देयर वाज किंग एडवर्ड वन, ही वाज सक्सीडेड बाय टू, देन थ्री, फोर, राइट। तो सक्सेशन इज बाय लॉ, कि एक ऊपर गया तो फादर डाइज, सन गेट सक्सीडेड, देन सन डाइज, देन हिज सन गेट सक्सीडेड, राइट। तो सक्सेशन इज बाय लॉ, राइट। तो सक्सेशन, कॉन्ट्रैक्ट्स आर सक्सीडेड बाय लॉ, एंड इन केस ऑफ सक्सेशन बोथ बेनिफिट्स एंड बर्डन्स आर सक्सीडेड, राइट। मतलब एसेट्स भी सक्सीड होंगे एंड लायबिलिटीज भी सक्सीड होगी। जैसे पिछला एग्जाम्पल किया था ना, बी को सी से 7 लाख रुपए मिले, तो 7 लाख का एसेट तो मिला, बट साथ में 10 लाख रुपए की लायबिलिटी भी मिली, जिसको उसको 7 लाख के एक्सटेंट तक फुलफिल करना पड़ा। तो सक्सेशन कैसे होगा, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। सक्सेशन में क्या होगा, बोथ बेनिफिट्स एंड बर्डन्स, बेनिफिट्स मतलब एसेट्स, बर्डन मतलब लायबिलिटीज, बोथ विल बी सक्सीडेड टू द सक्सेसर, राइट। So both benefits and burdens will be succeeded. Liability of the successor is limited to the value of property inherited. अभी ये देखा ही था हमने पिछले केस में, right? Liability of successor will be limited to the value of property inherited. मतलब देखो, if Mr. A is there who has assets worth 10,000 and liabilities worth 15,000, right? If A dies, then succession goes to B, maybe B is A's son. The maximum liability of B is to the extent of 10,000, because usko assets kitne ke mile, 10,000 ke, liability kitni hai, 15, to excess liability kitni hai, 5,000, wo apne pocket se fulfill नहीं करेगा, 5,000 तक की लायबिलिटी वेव ऑफ हो जाएगी। उसका जो ऑब्लिगेशन है सक्सेसर का, बी का, कितना रहेगा, टू द एक्सटेंड ऑफ 10,000। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस। तो सक्सेशन कैसे होगा, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बना के आप सक्सीड नहीं कर सकते। सक्सेशन कैसे होगा, ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, राइट। कॉन्ट्रैक्ट्स आर सक्सीडेड बाय लॉ, एंड व्हेनेवर सक्सेशन इज मेड, व्हाट विल हैपन, both the benefits and the burdens will be succeeded. मतलब benefits मतलब assets भी succeed होंगे, burden मतलब liability भी succeed होगा। But जो successor है उसका maximum liability कितना है, limited to the value of assets which have been succeeded. तो फिर हमने example किया, A था जिसका assets था 10,000, liabilities था 15,000, तो उसका जो successor है B, उसका maximum liability कितना है, 10,000 to the extent of the value of assets which he has succeeded. वो अपने pocket से personally liable नहीं है. Absolutely clear about this. Now we go to assignment. Only benefits under the contract can be assigned. क्या बोला? Only benefits under the contract can be assigned. In other words, liabilities cannot be assigned. Right? Liabilities cannot be assigned, only benefits under the contract can be assigned. अभी एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल देता हूं, सुनो, राइट। लेट्स से आई एम सपोज टू पे हिम 10 लाख रुपीस, राइट। आई एम सपोज टू पे हिम 10 लाख रुपीस, तो इसने मेरे को बोला कि सर आप 10 लाख रुपए मेरे को मत दो, मेरे फ्रेंड को दे दो, राइट। So, अभी 10 लाख रुपया मैं इसको देने वाला था, समझो ही इज मिस्टर ए, आई वॉज सपोज टू पे इट टू मिस्टर ए। नाउ मिस्टर ए इज टेलिंग मी दैट डोंट गिव इट टू मी, गिव इट टू माई फ्रेंड मिस्टर सी। इज देर एनी प्रॉब्लम? नो, मैं इसको नहीं देके इसको दे दूंगा। तो यहां पे असाइनमेंट किस चीज का हुआ, बेनिफिट का। किस चीज का असाइनमेंट हुआ, बेनिफिट। ही इज असाइनिंग बेनिफिट टू हिम, के भाई जो 10 लाख रुपया मेरे को मिलने वाला था, अब वो 10 लाख रुपया तुमको मिलेगा। आर यू क्लियर अबाउट इट? सो बेनिफिट्स कैन बी असाइंड, देयर इज नो प्रॉब्लम इन असाइनिंग द बेनिफिट्स। आर यू क्लियर अबाउट दिस? सेकेंड एग्जाम्पल, क्या बोलते हैं कि लायबिलिटीज को असाइन नहीं कर सकते, क्या लायबिलिटीज को असाइन नहीं कर सकते। अभी देखो क्यों नहीं कर सकते। Let's say I am the biggest don in this world, ठीक है?
अभी क्या है कि मेरे को इसको इसको मेरे से पैसे लेने हैं, राइट? ही सपोज टू गेट सम मनी फ्रॉम मी. सो व्हाट हैपेंस इज, सिंस आई एम द बिगेस्ट डॉन, इसकी तो हिम्मत है नहीं कि मेरे से आके पैसे मांगे, राइट? तो इसने क्या किया ना, इसने ये जो राइट है इसको इसको पे करने थे 10 लाख रुपए समझ लो. तो इसने बोला कि तुमको है ना, जाओ इस डॉन के पास, यहां से तुम पैसे ले लो, राइट? सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन इज दैट देयर विल बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज यहां पे क्या है ना, अच्छा लेट मी रीडिजाइन इट, इससे करते हैं. वेट, सी इट सेज दैट ए इज अ पार्टी एंड बी इज अ पार्टी. दिस विल क्रिएट बेटर अंडरस्टैंडिंग. लेट से ए इज अ पार्टी एंड बी इज अ पार्टी. ए इज सपोज टू पे 10 लाख रुपीज टू बी. तो ए को 10 लाख रुपए बी को पे करने है. ए असाइन द लायबिलिटी टू डी. ए ने क्या किया, डी को ये लायबिलिटी असाइन कर दिया कि भाई डी तुम बी को पैसे पे कर देना. तो यहां पे ए इज द असाइनर एंड डी इज द असाइनी. डी को क्या बेनिफिट असाइन हो रहा है कि लायबिलिटी असाइन हो रही है? लायबिलिटी, बिकॉज आई एम आस्किंग डी टू मेक दी पेमेंट. अब डी तो डॉन है ना, तो अभी क्या होगा, बी तो बेचारा डरेगा ना इससे पेमेंट लेने के लिए. तो इस सिचुएशन में मेरे को बी का भी कंसेंट चाहिएगा कि आर यू रेडी टू टेक दिस मनी फ्रॉम डी और नॉट. दैट इज वाई दी एक्ट सेज के बेनिफिट असाइन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लायबिलिटीज को आप असाइन नहीं कर सकते हो. अगेन वी विल गो टू दिस एग्जाम्पल. ए इज सपोज टू पे 10 लाख रुपीज टू बी. तो ए का ऑब्लिगेशन है बी को 10 लाख रुपए देने का. बी ने क्या बोला, डी को बोला कि तुम इसको 10 लाख रुपए दे देना, राइट? सो बी इज नॉट ड्यूटी बाउंड टू गेट दी पेमेंट फ्रॉम डी. बी बोल सकता है नहीं, मैं डी को नहीं जानता, मैं तो तुमसे ही पैसे लूंगा. तो इस केस में डी को लायबिलिटी असाइन नहीं हो सकती है. बट सेकेंड एग्जाम्पल जो अभी हमने किया, ए इज सपोज टू पे 10 लाख रुपीज टू बी, राइट? ए इज सपोज टू पे 10 लाख रुपीज टू बी. यहां पे बी असाइन द राइट टू रिसीव 10 लाख टू सी. तो बी ने ए को बोला, भाई साहब देखो आप मेरे को पैसे नहीं देके डायरेक्टली सी को पैसे दे देना. तो बी क्या कर रहा है, एक बेनिफिट असाइन कर रहा है कि जो बी को मिलने का राइट था वो किसको मिलेगा, सी को मिलेगा. तो ये सिचुएशन अलाउड है. सो आई एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट? तो देखो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज नोट करनी है. असाइनमेंट में क्या होगा, असाइनमेंट विल बी बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट. देयर विल बी टू पार्टीज, असाइनर एंड असाइनी. और असाइनर और असाइनी के म्यूचुअल अग्रीमेंट से एक असाइनमेंट का कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा. इस असाइनमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में खाली बेनिफिट्स असाइन हो सकते हैं, लायबिलिटीज असाइन नहीं हो सकती है. मतलब कि एज अ लैंडलॉर्ड मेरे को जो रेंट मिलने वाला है, मैं अपने टेनेंट को बोल सकता हूं कि मेरे बदले मेरे फ्रेंड को दे देना. तो मैंने क्या किया, बेनिफिट असाइन किया. बेनिफिट असाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. आर यू क्लियर अबाउट दिस? बट अगर मैं टेनेंट हूं, मैं अपने लैंडलॉर्ड को बोलता हूं मैं रेंट नहीं पे करूंगा, मेरा फ्रेंड आपको रेंट पे करेगा, विल इट बी अलाउड? No, it will not be allowed. Why will it not be allowed? Because इस केस में मैं बेनिफिट नहीं, मैं लायबिलिटी को ट्रांसफर कर रहा हूं. Absolutely clear about this? So, अभी डिफरेंस की बात करते हैं. अभी दोनों पढ़ लिया ना, सक्सेशन पढ़ा. सक्सेशन में क्या था, इट इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ बोथ बेनिफिट्स एंड बर्डन आर सक्सीडेड एंड द सक्सेसर इज मैक्सिमम लायबल टू द एक्सटेंड ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स इनहेरिटेड बाय. असाइनमेंट इज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट. ओनली बेनिफिट्स कैन बी असाइन, लायबिलिटीज कैन नॉट बी असाइन, राइट? अभी दोनों में देखो डिफरेंस क्या है. वन इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, अदर इज बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट. एक में बेनिफिट्स और बर्डन दोनों असाइन हो सकते हैं, दूसरे में खाली बेनिफिट ही असाइन ट्रांसफर हो सकते है. एब्सोल्युटली क्लियर? ये दो पॉइंट याद रहने चाहिए. कौन से दो पॉइंट? सक्सेशन इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, असाइनमेंट इज बाय म्यूचुअल कंसेंट. सेकेंड, सक्सेशन में बेनिफिट्स भी ट्रांसफर होते हैं और बर्डन्स भी ट्रांसफर होते हैं. असाइनमेंट में खाली बेनिफिट्स ट्रांसफर हो सकते हैं, बर्डन्स ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं. एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? ठीक है.
ठीक है. Then we talk about liabilities of joint promisor, right? Then we talk about liabilities of joint promisors. ठीक है. So इसके पहले वाले section में हमने देखा था कि अगर कोई joint promise होता है तो unless otherwise agreed, all the joint promisors are jointly liable to perform the obligation under the contract. अभी इसको थोड़ा detail में पढ़ेंगे, right? As compared to what we read in the previous session. Liabilities of joint promisor. In case of joint promise मतलब क्या? Two or more person jointly promise to do something is known as a joint promise. जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग jointly मिलके कोई obligation undertake करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? Joint promise. So in case of joint promise, must be fulfilled jointly by all of them. So we know this rule ke if there is a joint promise, it should be fulfilled jointly by all the joint promisors. Remedies available if the promise is not performed. Right? Abhi dekho kya hoga na? Ke teen jan ne milke, A, B aur C ne milke mere ko jointly promise kar diya. Jointly promise karne ke baad उन्होंने अपना obligation fulfill नहीं किया. So what are the remedies available to me as a promisee against these joint promises? That we say. Are you clear about this? मतलब क्या example लिया? तीन जन ने मिलके joint promise किया एक promisee को. तो वो promisee के पास क्या remedies है अगर ये joint promisers अपने obligation को fulfill नहीं करते हैं? तो compel any one or more joint promisor to perform whole of the promise, that is liability of joint, the liability of joint promisors are joint and several subject to the contract. Matlab kya bola ki A, B aur C hai, agar contract mein koi restriction nahi hai to I as in promisee may compel A to perform the entire contract, may perform B to perform the entire contract, may perform let's say compel C to perform the entire contract. I may compel A and B to perform the contract, B and C to perform the contract, or I may compel all of them jointly to perform the contract. So what are they saying? That the liability of the joint promisor is joint. Matlab they have to perform it together. And several. Matlab individually also they are liable to perform the entire obligation under the contract. Absolutely clear about it. तो इनका liability क्या है? Joint and several. मतलब they are jointly together liable as well as they are individually also liable, right, to perform the contract. Second, joint promisor who is made to perform the contract. अभी देखो एक simple example लेते हैं. अभी A, B और C ने मिलके commit किया कि मेरे को 1000 LED TV supply करेंगे. फिर वो लोग ब्रीच करने लगे तो मैंने ए को पकड़ा, बोला चल तू ही सारा डिलीवर कर मेरे को 1000 एलईडी टीवी. तो उसको क्या करना पड़ा? अपने पॉकेट से पूरे पैसे लगा के मेरे को 1000 एलईडी टीवी डिलीवर करने पड़े. तो ऑब्लिगेशन तो तीनों ने मिलके किया था ना, बट डिलीवर किसने किया? एक ने. तो ये जो ए है जिसने डिलीवरी किया पूरा, उसका लीगल राइट है कि वो बी और सी से प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन मांगे. बी और सी ने जितना शेयर कंट्रीब्यूट करने का अग्री किया था उतने का वो लीगल केस बी और सी के ऊपर कर सकता है. एब्सोल्युटली क्लियर. सो अगेन वी विल रीड इट. द जॉइंट प्रोमिसर हु इज मेड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट कैन कॉल फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम अदर्स. आई क्लियर अबाउट इट? मतलब वापस बताता हूं, ए बी सी तीनों ने मिलके जॉइंटली प्रॉमिस किया कि वो मेरे को 1000 एलईडी टीवी सेट्स डिलीवर करेंगे. वो लोग नॉन कंप्लाई कर रहे थे तो मैंने ए को पकड़ा और बोला चल तू अब मेरे को टोटल 1000 एलईडी टीवी सेट्स डिलीवर कर. तो इसने मेरे को 1000 एलईडी टीवी सेट्स डिलीवर किए, राइट? ये 1000 एलईडी टीवी सेट्स का टोटल इसको खर्चा पड़ा 18 लाख रुपीज. कितना पड़ा? 18 लाख. तब वो क्या करेगा? अगर तीन जॉइंट प्रोमिसर्स है, इफ दे इक्वली शेयरिंग, देन इट विल बी 6, 6 एंड 6. तो अभी तो पूरा 18 लाख इसके पॉकेट से गया ना, तो वो क्या करेगा? उसके पास लीगल राइट है कि वो बी और सी को कंपेल कर सके और बोले कि 6, 6 लाख रुपया अपना कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे को
तो मतलब प्रोमिसी किसी एक को कंपेल करके परफॉर्मेंस करवा सकता है, बट जो प्रोमिसर है जिसको कंपेल किया गया है उसका लीगल राइट है कि वो दूसरे जॉइंट प्रोमिसर्स से उनका रेस्पेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन रिकवर कर सकता है. एब्सोल्युटली क्लियर. देन इन केस ऑफ अ डिफॉल्ट, राइट, इन केस ऑफ अ डिफॉल्ट by any joint promisor to make his contribution, the loss due to such default must be shared equally by the other joint promisors. Right? The loss due to such default must be shared equally by other joint promisors. So, देखो अभी यहाँ पे क्या situation वो लोग बोल रहे हैं. ठीक है, इसका एक example किया हुआ है हम लोगों ने. Let's look at this example. A, B and C are joint promisers. They are supposed to sell 1000 LED TV sets of rupees 10 lakh to D. So D is the promisee and A, B and C are the joint promisers. So dekho, as per the act, A, B and C jointly should perform the obligation. Matlab tino ka obligation hai ke saath mein ye contract ko fulfill kare. In case of default, मतलब अगर ये deliver नहीं करते हैं तो D can compel any of the joint promisor to perform the obligation. मतलब D can either compel A, B or C, किसी को individually या together भी compel कर सकता है कि वो अपना obligation fulfill करे. If A delivers the entire lot of 1000 LED TV to D, मतलब उसने A को पकड़ा बुला के भाई A तुम मेरे को 1000 LED TV deliver करो, then in that case, then A can claim proportionate contributions from B and C. A बोलेगा चलो एक बार तो मैंने अपने पॉकेट से पूरा पैसा लगा के obligation fulfill कर लिया, but जो B और C का proportionate share है वो उनसे recover करेगा, right? So, for example, if A paid 6 lakh rupees for 1000 LED TVs, A will have a claim of 2 lakh from B and 2 lakh from C. Because total 6 lakh rupees, agar wo jointly share kar rahe hain, to 2 A ka, 2 B ka aur 2 C ka. So, wo apna to total 6 lakh rupees usne pay kar diya hai, to wo 2 lakh B se recover karega and 2 lakh rupees wo C se recover करेगा. एब्सोल्युटली क्लियर. यहां तक कर चुके थे. अभी जो लास्ट सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा था ना, कौन सा पढ़ा था हम लोगों ने, वे रेड दैट इन केस ऑफ अ डिफॉल्ट बाय एनी जॉइंट प्रोमिसर टू मेक हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब के ए ने पेमेंट कर दिया बी और सी को, ए को पेमेंट करना था, समझ लो सी बैंकरप्ट हो गया, सी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता है तो क्या होगा. द लॉस ड्यू टू सच डिफॉल्ट मस्ट बी शेयर्ड इक्वली बाय द अदर जॉइंट promisers. So see, in our example, B was supposed to pay 2 lakh and C was supposed to pay 2 lakh. If C does not pay, then what will happen? Now the contribution is shared between A and B, because ab A and B hi bache hain, right? A dekho apna 2 lakh rupiya pay karega, B apna 2 lakh rupiya pay karega. Deficit kitna aya? Baki 2 lakh ka. Ye 2 lakh kiska hai? C ka. ये ए और बी को बेयर करना पड़ेगा किस रेशियो में? इक्वली. किस रेशियो में? इक्वली. जो भी जॉइंट प्रोमिसर डिफॉल्ट करेगा उसका जो पोर्शन है दूसरे जॉइंट प्रोमिसर्स को इक्वली बेयर करना पड़ेगा. सो अगर वो इक्वली बेयर करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 2, ए विल हैव टू शेयर 1 ऑफ सी शेयर एंड बी विल हैव टू शेयर 1 ऑफ C's share and it will be distributed between them as 3 plus 3. Absolutely clear about this? Agar default hoga, to jo default parting partners hai, uska share equally share karenge. Theek hai? So, yahan pe again we'll go through this section. Joint promisor ke liability ke baare mein baat kiya. To humne dekha, in case of joint promise, the joint promise must be fulfilled by all the joint promisors. Agar wo default karte hai, to promisee ke paas kya remedy hai? He can compel them together, he can jointly compel them to perform, or he can compel any one or more of them to perform the obligation under the contract. If one joint promisor is made to perform his obligation, he will have the right to call for proportionate contributions from the other joint promisors.
ठीक है. थर्ड, इन केस ऑफ अ डिफॉल्ट बाय अ जॉइंट प्रोमिसर, जो डिफॉल्टिंग जॉइंट प्रोमिसर है उसका जो पोर्शन है विल बी शेयर्ड बाय द अदर जॉइंट प्रोमिसर्स, विल बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द अदर जॉइंट प्रोमिसर्स इन इक्वल प्रपोर्शन. आई एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस सेक्शन? ठीक है. अभी देखो और एक सेक्शन है यहां पे, इट सेज रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर. ठीक है, मतलब हमारे एग्जाम्पल में समझ लो तीन जॉइंट प्रोमिसर्स थे ना, ए बी और सी. तो जो मिस्टर डी प्रोमिसी है, सी उसका अच्छा फ्रेंड था. ठीक है, तो मिस्टर डी ने बोला देखो मैं सी को परेशान नहीं करूंगा, ए और बी की बैंड बजाऊंगा कि वो मेरे को ऑब्लिगेशन मेरा परफॉर्म करे. सो रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर डज नॉट डिस्चार्ज दी अदर जॉइंट प्रोमिसर. सिंपल, तीन जॉइंट प्रोमिसर्स थे ए बी और सी, उसमें से सी को रिलीज कर दिया डी ने, तो क्या ए और बी भी रिलीज हो गए? नहीं, ए और बी को स्टिल ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना पड़ेगा. देन जॉइंट प्रोमिसर सो डिस्चार्ज, मतलब कौन डिस्चार्ज हो गया? सी. इज नॉट फ्री फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स अदर जॉइंट प्रोमिसर्स. मतलब भले ही डी ने सी को डिस्चार्ज कर दिया, बट ए और बी जो अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करेंगे, वो ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के बाद ए और बी के पास राइट है कि सी से वो प्रोपोर्शनेट कॉन्ट्रीब्यूशन मांग सके. आई एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? सो जॉइंट प्रोमिसर सो डिस्चार्ज इज नॉट फ्री फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स अदर जॉइंट प्रोमिसर्स. सो फॉर एग्जाम्पल ए बी एंड सी आर द जॉइंट प्रोमिसर्स, डी डिस्चार्जेस सी. डी ने क्या किया? सी को डिस्चार्ज कर दिया. ए एंड बी विल हैव टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एंड ए एंड बी विल हैव अ राइट अगेंस्ट सी. जैसे हमने पहला सेकेंड पॉइंट में देखा था ना, वैसा सेम सिचुएशन है, बट इसमें खाली एक थोड़ा सा चेंज है कि अगर प्रोमिसी किसी एक को डिस्चार्ज करता है तो बाकी को तो परफॉर्म करना पड़ेगा, बट बाकी जो परफॉर्म करेंगे दे विल हैव अ राइट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अगेंस्ट द प्रोमिसर हु हैज बीन डिस्चार्ज. क्लियर? देन वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस. मतलब किस टाइम पे और किस जगह पे प्रॉमिस परफॉर्म होना चाहिए, राइट? किस टाइम पे और किस जगह पे प्रॉमिस परफॉर्म होना चाहिए, राइट? सो वी टॉक अबाउट टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस. इफ नो टाइम इज स्पेसिफाइड फॉर परफॉर्मेंस, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बना, राइट? जो कॉन्ट्रैक्ट बना, मतलब मैंने क्या बोला कि आई विल डिलीवर माई कार टू हिम, ही विल पे मी 5 लाख रुपीज. टाइम वाइम कुछ अग्री नहीं हुआ. इफ नो टाइम इज स्पेसिफाइड फॉर परफॉर्मेंस, इट शुड बी परफॉर्म विद इन अ रीजनेबल टाइम, राइट? इट शुड बी परफॉर्म विद इन अ रीजनेबल टाइम. डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द केस, राइट? इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द केस. मतलब अगर अग्री किया है तो ठीक है, 3-4 दिन के अंदर तो डिलीवर कर देंगे. अभी प्रॉमिस करके बाद में 3 साल बाद गाड़ी डिलीवर करूं, ऐसा चलेगा क्या? नहीं. तो हर एक केस में द कोर्ट विल लुक एट द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द केस एंड डिसाइड दैट व्हाट इज अ रीजनेबल टाइम. लाइक समथिंग लाइक पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स के लिए रीजनेबल टाइम कुड बी 1 डे. इफ यू डोंट परफॉर्म इन दैट पर्टिकुलर डे द गुड्स गेट डिस्ट्रॉयड, राइट? इन सम अदर केस अ रीजनेबल टाइम मे बी 15 डेज एज वेल, राइट? सो इट डिपेंड्स अपॉन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द केस के वो कब परफॉर्म होना चाहिए, राइट? टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, इफ नो टाइम इज स्पेसिफाइड फॉर परफॉर्मेंस, इट शुड बी परफॉर्म विद इन अ रीजनेबल टाइम. डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ ईच केस के ये जो रीजनेबल टाइम है, ये कितना रीजनेबल टाइम है, क्या रीजनेबल टाइम है, किस पे डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंस ऑफ द केस. If date is specified but no time is specified, मतलब डेट स्पेसिफाई किया कि भाई तू मेरे को 15th December को गाड़ी आके डिलीवर करना, बट टाइम डिसाइड नहीं किया, तो मैं क्या करूं? रात को 2 बजे जाके हॉर्न बजाना शुरू कर दूं, इसके घर के नीचे ले ले यार गाड़ी की डिलीवरी ले ले, चलेगा ऐसा? नहीं. सो बोला टू बी परफॉर्म ड्यूरिंग यूजुअल बिजनेस
hours, right? Then it is to be performed within the usual business hour. And usual business hour matlab kya 10 a.m. to 5 p.m. ke beech mein deliver karna aapko chahiye. Delivery must be made at the usual place of business. Delivery kahan pe karna hai? At the usual place of business. Ye kab? When nothing is agreed. Agar agreed hai, isne Anand ne bula, sir aap 15 December ko 3:16 pe achha muhurat hai mere yahan aaiyega, tab to waise hi jana padega. If he does not tell me the time, then I can go between 10 to 5 anytime which I want. Theek hai? No place is fixed for performance, right? So, abhi Anand ne mere ko bataya nahi ke gaadi kahan pe deliver karni hai, right? No place is fixed for performance. Date bata diya, time bata diya, sab kuch bata diya, but kahan deliver karna hai? Promiser to ask the promisee to fix a reasonable place for the performance of the contract. So, is situation mein jo promisee hai, uske upar contract act ne obligation diya, matlab I am the promisee, I am supposed to deliver the car to him, then I am supposed to call him up and ask him ke bhai ek reasonable place batao jahan pe main aapko ye gaadi deliver karu, right? So no place is fixed for performance. Promiser to ask the promisee to fix a reasonable place for performance of the promise. Are you clear about this? So dekho abhi tak teen situations kiye hai. If no time is specified within reasonable time, what is reasonable time? Every time when we say reasonable, it will depend upon the facts and circumstances of the case. Then when date is specified but no time is specified, kya karna hai? Usual business hours. Usual business hours matlab kya? 10 to 5 kahan pe perform hoga? At usual place of business. When no place is fixed, tab kya hoga? The promiser is responsible to call upon the promisee asking him to fix a reasonable place for performance of the contract. Where it has been agreed that promiser will not perform his obligation without an application being made by the promisee. Abhi dekho kya ho gaya na? I told him that I will sell my car to him for 5 lakh, he will pay me 5 lakh rupees. But humne jo agree kiya hai, maine bola hai yaar Anand tu jab tak mere ko bolega nahi na ke sir car deliver karo, tab tak main apni gaadi deliver nahi karunga, right? So where it has been agreed that promiser will not perform his obligation without an application made by the promisee, under that circumstances it is duty of the promisee to apply for performance at proper place and within usual business hour. Absolutely clear. To iske pehle point pe promiser ka obligation fix kiya, second point pe promisee ka obligation fix kiya, matlab ki agar place nahi fixed hai to promiser ka responsibility hai ki promisee ko puche ki kahan pe deliver karna hai, kahan pe performance karna hai. Agar ye specifically agreed hai ke promiser will not perform his obligation unless the promisee makes an application or makes a request for performance of the contract, then it is the duty of the promisee to call upon the promiser asking for performance, right, at a proper place and at the usual business hours. Absolutely clear. Then we talk about performance of reciprocal promise, right? Performance of reciprocal promise. So, dekho ek baat bole na, promise to hamesha reciprocal hi hota hai na contract ke andar. If I deliver the car, reciprocal. Woh hi bata raha hu. Reciprocal matlab kaisi? Abhi reciprocal is an English word which we normally use, right? So we say na that you must reciprocate the good gestures with the other person has showed you, right? Or you must reciprocate the benefit which you have received, right? Jaise bolte hai na ke agar Bhagwan ne bahut paisa diya hai to garibo mein baato, kuch achha kaam karo. Reciprocate, right? So reciprocate means what are you doing in return against what you have got. So promise to hamesha reciprocal hi hoga. If I am supposed to deliver the car, I will not do it for free, he'll have to pay me 5 lakh rupees, right? So how these reciprocal promises will be performed, that is what we are considering yahan pe, ke bhai pehle main gaadi deliver karunga ke pehle ye 5 lakh rupees dega, kya hona chahiye, in what sequence the promise should be
performed, usko bolenge performance of reciprocal promise. So here we are talking about the order of performance or a sequence of performance of promise. Are you clear about this? So dekho yahan pe performance of reciprocal promise. So general rule kya bolta hai? Dekho bahut logical baat boli hai yahan pe. A contract comprises of an act and a promise. The contract comprises of, dhyan se sunna, a contract comprises of, very important from MCQ, tricky MCQ yahan se de sakte, dhyan se sunna. A contract comprises of an act and a promise, dhyan se suno. A contract comprises of an act and a promise. So, hamara contract hai na, I am supposed to deliver the car, he is supposed to pay me 5 lakh rupees. Agar maine isko gaadi deliver kar di, what is that? An act. I have delivered the car. But abhi tak isne mere ko 5 lakh rupaye diye nahi hai. So what is that? A promise. Because he has promised that in future he will pay. So a contract will comprise of an act and a promise. Matlab maine gaadi deliver kar di but usne abhi 5 lakh rupaye diye nahi hai. Or a contract will comprise of two promise, right? Or a contract will comprise of two promise. Maine gaadi deliver nahi ki hai, main karunga future mein. Isne paise diye nahi hai, ye bhi dega mere ko future mein. So what are these? These are two promise. Abhi main ek cheez bolta hu, dhyan se sun ke mere ko bolna. A contract comprises of two acts, true or false. A contract comprises of two acts. Why false? Very good. If I say a contract comprises of two acts, maine gaadi deliver kar di, isne mere ko 5 lakh rupaye de diye. Now is there any contract? Now is there any legal relationship? No. Why? Because the contract has been discharge. Absolutely clear about it. So for a life contract, there will be either two promises or one act and one promise. Moment there are two acts, what will happen? The contract will get discharged. Absolutely clear. So ye likhna hai to likh sakte ho wahan pe. Two acts will result in discharge of a contract. Two acts matlab wo executed ho gaya, khatam. अरे कॉन्ट्रैक्ट तो सारा ही कुछ है बट नाउ इट हैज बीन परफॉर्म ना इट हैज बीन डिस्चार्ज्ड इट्स बीन एग्जीक्यूटेड ये दोनों क्या है एग्जीक्यूटरी दिस इज बायलैटरल दिस इज यूनिलैटरल राइट सो अ कॉन्ट्रैक्ट कॉम्प्राइजेज ऑफ एन एक्ट एंड अ प्रॉमिस मतलब आई डिलीवर द कार ही इज येट टू पे और इट कॉम्प्राइजेज ऑफ टू प्रोमिसेज आई एम येट टू डिलीवर द कार ही इज येट टू मेक दी payment, right? Absolutely clear about this. So a contract comprises of an act and a promise. Matlab A to sell 1000 LED TVs to B for rupees 10 lakh. If A delivers 1000 LED TV to B, it is an act. If B is yet to make the payment, it is still at the stage of a promise. Two promises. One promise being consideration of the other and vice versa. Matlab A is yet to deliver 1000 LED TV to B. It is again a promise at the end of A. B is yet to make the payment to A. So it is again a promise at the end of B. Absolutely clear? Abhi hum dekhenge ke sequence. Ke bhai ye jo reciprocal promises hai. Inko kin sequence mein, kis sequence mein hume perform karna chahiye. Ha. What do you need to do? 16 or 24? 30 में तो फिर हम लोगों को जाना पड़ेगा हिल स्टेशन फिर 30 करना पड़ेगा ठीक है साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस व्हेन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैव टू बी परफॉर्म वन आफ्टर अदर वी से साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस मतलब व्हेन प्रोमिसेस हैव टू बी परफॉर्म वन आफ्टर द अदर मतलब आई मेक द डिलीवरी ऑफ द कार ही मेक्स द पेमेंट तो ये क्या हो गया द प्रोमिसेस आर परफॉर्म वन आफ्टर द अदर दीस क्रिएट कॉन्करेंट कंडीशंस राइट Performance of one promise is the condition for performance of
अदर. अभी देखो हमारा क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आई विल डिलीवर द कार, ही विल पे मी 5 लाख रुपीज. जब तक मैं कार डिलीवर नहीं करूंगा क्या ये मेरे को 5 लाख रुपए देगा? नहीं. राइट, सो परफॉर्मेंस ऑफ वन प्रॉमिस इज डिपेंडेंट अपॉन परफॉर्मेंस ऑफ अदर. फर्स्ट द कार हैज टू बी डिलीवर्ड एंड देन ओनली द पेमेंट विल बी मेड. राइट, so these create concurrent conditions. Performance of one promise is conditioned for performance of other. If one promise is not performed, other needs to be need not be performed. So A delivers car to B, B has to pay 5 lakh to A. If A does not deliver the car, B will not have to pay. Absolutely clear? तो जब simultaneous performance होगा तो क्या, one after the other. If one sequence is not over, the another sequence will not happen. अभी देखो इसके अंदर ही कुछ situations हम देखेंगे, simultaneous performance of contract में ही हम देखेंगे कि किस sequence में promise perform होता है. First, performance of reciprocal promise where order of performance is expressly fixed. अभी देखो what do we mean by order of performance is expressly fixed? इसका मतलब क्या कि जो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों ने अग्री किया कि भाई फर्स्ट आई विल हैव टू डिलीवर द कार एंड देन ओनली द पेमेंट विल बी मेड. तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली स्टेटेड है कि इन व्हाट सीक्वेंस द प्रोमिसेस नीड्स टू बी परफॉर्म. तो जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीड है, जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट में स्टेटेड है, उस हिसाब से ही वो परफॉर्म होना चाहिए. राइट, सो परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस वेर द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड, व्हाट विल हैपन, मस्ट बी परफॉर्म्ड इन दैट ऑर्डर. राइट, इट मस्ट बी परफॉर्म्ड इन दैट ऑर्डर. सो ए इज सपोज टू डिलीवर टीवी, देन बी इज सपोज टू मेक द पेमेंट. अगर ऐसा अग्रीड है तो इसी सीक्वेंस में परफॉर्मेंस होगा. सेकेंड, performance of reciprocal promise when order of performance is fixed by implication. मतलब यहाँ पे contract अगर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा नहीं है कि पहले क्या होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए, but by reading it is implied that this should fall in first and then the other thing will come into the picture. Right, so performance of reciprocal promises when the order of performance is fixed by implication, decide based on the nature of the transaction. मतलब जो भी nature of the transaction है, जो भी contract की terms है, उसके basis पे आपको decide करना पड़ेगा कि किस sequence में यह perform होना चाहिए. तो इसका देखो एक example हमने लिया, you can tell me that how it should be performed. A will sell 1000 LED TVs to B for rupees 10 lakh provided an advance of 3 lakh is made by B to A. What is the order of performance? पहले 3 लाख का एडवांस जाएगा, फिर 1000 टीवी का डिलीवरी होगा, फिर बैलेंस 7 लाख रुपए का पेमेंट होगा. Although it's not stated के first advance this that, but then when you read the terms and condition, it is implied that series of activities which needs to be performed. Right? First B will have to make an advance of 3 lakh, then only A will deliver 1000 LED TVs to B. Right? Effect of one party preventing another from performing the promise. मतलब एक पार्टी दूसरे पार्टी को रिस्ट्रिक्ट कर रही है अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करने में. तो व्हाट विल हैपन, मतलब जो एग्जांपल हमने किया था ना कि डिस्चार्ज दो तरीके से होता है, एक बाय परफॉर्मेंस, अनादर बाय नॉन परफॉर्मेंस. तो मैं गाड़ी डिलीवर करने गया इसके घर पे, बट ही इज नॉट रेडी टू टेक डिलीवरी ऑफ द कार. सो व्हाट इज ही डूइंग, is preventing me to perform my obligation under the contract. Under the circumstances, what will happen? Right, the contract is voidable at the option of the party so prevented. मैं इसके घर गया गाड़ी लेकर, delivery करने की कोशिश की, बहुत बोला यार ले लो delivery, माना नहीं, फिर मैं गाड़ी वापस लेकर चला गया. Next day अगर phone करके मेरे को बोलते गाड़ी लेकर आओ, am I duty bound? No. Now it is at my option because I am the aggrieved party. Right? Who is the aggrieved party?
जिसने परफॉर्म करने की कोशिश की, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस जो करेगा दैट विल बिकम द अग्रीव पार्टी. नाउ द कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइडेबल एट माई ऑप्शन. जब वो नेक्स्ट डे मेरे को फोन करेगा मैं बोलूंगा नहीं आपके साथ काम नहीं करना, आपको डिलीवर नहीं करेंगे, द कॉन्ट्रैक्ट विल कम टू एन एंड. और अगर मैं चाहूं ठीक है यार बिक रहा है तो बिकने दो, दे देते हैं गाड़ी, तब इट विल स्टे. राइट, सो इफेक्ट ऑफ वन पार्टी प्रिवेंटिंग अनादर फ्रॉम परफॉर्मिंग द प्रॉमिस, वे वन पार्टी prevents other party for performing his promise, the contract is voidable at the option of the party so prevented. Are you clear about this? So under these circumstances what will happen? The contract will become voidable. Under which situation? When one party prevents the other party from performing his obligation under the contract. So dekho ek addition list mein hua. Abhi tak humne voidable contracts किस किस सिचुएशन में देखा था? कोशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिसरेप्रेजेंटेशन. अभी और एक सिचुएशन हमें पता चला कौन सा वे वन पार्टी प्रिवेंट दी अदर पार्टी फ्रॉम परफॉर्मिंग इज ऑब्लिगेशन, द पार्ट द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी सो प्रिवेंटेड. एब्सोल्युटली क्लियर. अग्रीव पार्टी to claim compensation for any loss sustained for breach on part of the other party. Right, the aggrieved party to claim compensation for any loss sustained for breach on the part of the other party. मतलब अभी next portion में आएंगे तो हम ब्रीच के बारे में बात करेंगे, अभी इसको कंटिन्यू करते हैं. इफेक्ट ऑफ वन पार्टी प्रिवेंटिंग अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग द प्रॉमिस, इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं. देखो, ए टू सेल 1000 एलईडी टीवीज टू बी फॉर 10 लाख रुपीस. राइट, तो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ए टू सेल 1000 एलईडी टीवीज टू बी फॉर 10 लाख. ए ने क्या किया, ए परचेज 1000 एलईडी टीवीज एट द रेट 500 ईच. राइट, तो ए ने ये 1000 एलईडी टीवी खरीदे, पता नहीं कहां से खरीदे, 500 रुपए में मिल गए. ठीक है, सो ही बॉट दिस 1000 एलईडी टीवीज फॉर 500 ईच इन ऑर्डर टू मेक डिलीवरी टू बी. बी इज नॉट वांटिंग टू टेक डिलीवरी फ्रॉम ए आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड. अभी तो बी क्या कर रहा है, बी इज प्रिवेंटिंग ए टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. ए सोल्ड दीज टीवीज टू सी फॉर 480 ईच. अभी तो ये डिस्ट्रेस सेल हो गया ना, बिकॉज नाउ ए हैज अ क्वांटिटी ऑफ टीवीज एंड ही डज नॉट हैव अ कस्टमर. तो ए ने स्ट्रेस में सेल कर दिया, कितने में? 480, 1000 एलईडी टीवी 480 में निकाल दिए. राइट, सो ए कैन क्लेम डैमेजेस फॉर एनी लॉस सफर्ड. राइट, सो ए विल क्लेम 20 रुपीज इन 2000, 20,000 रुपए वो बी से क्लेम करेगा. क्यों क्लेम करेगा? बिकॉज बी के नॉन कंप्लायंस, बी के ब्रीच के वजह से ए को प्रॉब्लम हुआ. राइट, द कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ए. सो मोमेंट बी रिफ्यूजेस और प्रिवेंट्स ए फ्रॉम परफॉर्मिंग द प्रॉमिस, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ ए एंड ए कैन ऑल्सो क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर एनी लॉस विच ही मे सफर. एब्सोल्युटली क्लियर. हाँ, नहीं, सी कॉम्पनसी, वेन वी टॉक अबाउट कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन इज फॉर लॉस एंड लॉस वी नॉर्मली मीन एक्चुअल लॉस एंड नॉट नोशनल लॉस. कितना लॉस हो सकता था, नहीं कितना लॉस हुआ. ठीक है, सी वील कीप इट टिल योर टूडे, इन द नेक्स्ट क्लास वील कंटिन्यू विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है.